हेलो एवरीवन, टोटल इंग्लिश का एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। बीच बीच में ग्रामर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, इससे आपका जो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है वो रिविज़न होता रहेगा, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से हम लोग नए नए कॉन्सेप्ट को भी सीखते हैं। तो जो भी क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा उसके पीछे क्या लॉजिक लगा है, कौन सा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट लगा है, ये हम लोग भी समझेंगे। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ माई टीचर्स डैश नेक्स्ट डोर टू माई आंट। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको सीनियर क्लासेस के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। क्लास 8 टू क्लास 12 सभी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वन ऑफ माई टीचर्स डैश नेक्स्ट डोर टू माई आंट, यहाँ पर बात किस चीज़ की हो रही है समझना है। ये मेरे बहुत सारे टीचर्स हैं, उसमें से किसी एक टीचर की बात हो रही है, ठीक है। उतने सारे टीचर्स में से किसी एक टीचर की बात हो रही है। वन ऑफ माई टीचर्स डैश नेक्स्ट डोर टू माई आंट, रहते हैं, ठीक है, मेरे आंट के बगल वाले घर में। नेक्स्ट डोर मतलब बगल वाले घर में। ऑप्शन दिए हुए लिव्स या लिव, तो आपको बताना है कि लिव्स यूज़ होगा या लिव यूज़ होगा। तो ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, तो ये क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोग क्या पढ़ते हैं कि किस प्रकार सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। तो हमें सिंगुलर और प्लूरल का मेन कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, टीचर्स की बात हो रही है या वन ऑफ टीचर्स की बात हो रही है। सारे टीचर्स रहते हैं या एक टीचर रहते हैं, या समझिएगा, सारे टीचर्स की तो बात नहीं हो रही, सारे टीचर्स में से किसी एक टीचर की बात हो रही है। तो मतलब यहाँ पर मेन फोकस है वन ऑफ माई टीचर्स, मतलब ये टीचर्स देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्वेश्चन प्लूरल हो गया तो यहाँ पर प्लूरल होना चाहिए, तो दैट विल बी रॉन्ग। टीचर्स भले प्लूरल है लेकिन सभी टीचर्स में से एक टीचर की बात हो रही है, इट मीन्स द क्वेश्चन द नाउन इज नॉट प्लूरल, नाउन इज सिंगुलर। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि जब नाउन सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होता है। तो अब आपको बस इतना समझना है कि इसमें से बताना है कि सिंगुलर वर्ब कौन सा है, लिप्स या लिव, ठीक है। तो सिंगुलर जो है वो लिप्स होता है, ठीक है। ये V5 है, ठीक है, ये V1 है, ठीक है, ये लिप्स है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर विल बी लिप्स। वन ऑफ माई टीचर्स लिव्स नेक्स्ट डोर टू माई आंट, ओके, गॉट इट। लेट अस सी द सेकेंड वन, ऑल द बुक्स ऑन दैट शेल्फ डैश टू मी। एक शेल्फ है जिस पर बहुत सारे बुक्स रखे हुए हैं, तो सभी बुक्स जो हैं वो मेरे हैं, ठीक है। बिलोंग्स टू मी या बिलोंग टू मी, बिलोंग या बिलोंग्स। तो फिर से वही आपको समझना है कि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, शेल्फ की बात हो रही है, बुक्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है। तो क्या मेरा है, क्या शेल्फ मेरा है या बुक मेरा है, क्या कहा जा रहा है। सारे बुक्स मेरे हैं ये कहा जा रहा है, सारे बुक्स, एक बुक नहीं, सारे बुक्स मेरे हैं। तो अगर आप शेल्फ को देखकर यहाँ पर बैठाते हैं आंसर को, तो योर आंसर विल बी रॉन्ग, ठीक है। शेल्फ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बुक्स की बात हो रही है। तो बुक्स क्या है, प्लूरल है। ऑल बुक्स मतलब फिर भी ये प्लूरल ही रहेगा, ठीक है, प्लूरल है, ऑल द बुक्स। तो हमें क्या पता चला कि नाउन हमारा प्लूरल है, तो नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो जब एस लग जाता है तो सिंगुलर हो जाता है, जैसे यहाँ हमने देखा ये सिंगुलर था, तो यहाँ पे हम लोग एस वाले को नहीं चूज़ करेंगे, यहाँ पर बिलोंग को चूज़ करेंगे, क्योंकि बिलोंग क्या है, वो प्लूरल है। सो द आंसर विल बी बिलोंग टू मी, ठीक है। इस तरह से हमने दो क्वेश्चंस कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1000 रुपीज़ डैश इज या आर, समझ सकते हैं हम लोग को यहाँ बैठाना है, इज या आर हिज फी। किसी की फ़ी होगी, सपोज कि कोई डॉक्टर हो या कोई टीचर हो, उसकी फ़ी है 1000, तो 1000 रुपये उनकी फ़ी है। तो यहाँ पर आर लगना चाहिए या इज़ लगना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि अगर हम लोग सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट समझेंगे तो लोग समझेंगे कि यहाँ पर तो 1000 है सर। जब 1000 हमने यूज़ कर दिया है तो 1000 तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है मतलब इट इज़ प्लूरल। बट यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर पैसे 1000 की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर फ़ी की बात हो रही है, ठीक है, फ़ी की बात हो रही है। क्योंकि अगर मैं चाहता तो इस सेंटेंस को दूसरे ढंग से भी कह सकता था, कैसे था ना, हिज फी इज़ 1000 रुपी, तब तो समझते ना कि हिज फ़ी की बात हो रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक कलेक्टिव यूनिट, एक सिंगल यूनिट की तरह काम करेगा, ठीक है, सिंगल यूनिट की तरह काम करेगा। 1000 क्या है, उसकी फ़ी है, तो एक सिंगल है, तो ये सिंगुलर होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। 1000 आ गया, 10000 आ गया, तो ये मतलब समझने लगेगा कि प्लूरल है, ठीक है। समझना है कि किस चीज़ की बात हो रही है, फ़ी की बात हो रही है, उसकी फ़ी है 1000, तो ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर दोनों में से कौन सा होगा, इज़ या आर, सिंपल सी बात है, इज़ होगा। 1000 रुपीज़ इज़ हिज फ़ी, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा।
और हम लोग टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहेंगे, और बीच बीच में जैसे कि मैंने आज भी जब प्रैक्टिस करवाया तो कॉन्सेप्ट्स को भी बताया, और हम लोग साथ साथ कुछ नए चैप्टर्स भी पढ़ेंगे जो कि ग्रामर में काफ़ी आपको हेल्प करेंगे। तो अगर आपको किसी चैप्टर में ग्रामर में प्रॉब्लम हो रही है सो यू कैन टेल टू मी, आई विल मेक वीडियो ऑन दैट। ओके, सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच।